नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र में अभिसार शर्मा। क्या आप जानते हैं आज सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया कितने पर खुला? आपके स्क्रीन पर 81 रुपए 54 पैसे। मगर इस पर ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने तेवरों की तरह कुछ बोल रहे हैं और मीडिया तो पूरी तरह से खामोश है। आज मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताने वाला हूं दोस्तों कि मीडिया दरअसल खामोश क्यों रहता है। मगर सबसे पहले इस झलक को देखिए। मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र तो नहीं बन जाएगा। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। ये मीडिया इस देश के बहुमत हिंदुओं को डरा रहा है, भड़का रहा है, मगर ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि अगर मैं इसे हकीकत मान भी लूं कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तो पिछले 8 सालों से तो देश पर जो प्रधानमंत्री हैं बने हुए हैं वो तो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं ना। 2014 से पहले कोई इस बात की चर्चा नहीं करता था कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है, तो फिर ये बात क्यों? और इसका ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनकर आ गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, एक और बाबा जी। यह चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, देश में पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये मीडिया ये चर्चा इसलिए कर रहा है ताकि हिंदुओं को डराया जाए, मूर्ख बनाया जाए, ताकि वो डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है उस पर सवाल ना करे। आपकी स्क्रीन पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 से पहले निर्मला जी की क्या तेवर होते थे जब भी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, और आज किस तरह के अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये मीडिया ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा। मगर सबसे पहले दोस्तों ये क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 2014 से पहले निर्मला जी क्या कहा करती थी जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, और अब वो क्या कहती हैं, सुनिए। कंसर्न अबाउट द फॉलिंग रूपी, इट इज अबाउट टू क्रॉस द 62 मार्क अगेंस्ट द डॉलर। इंडियन इकोनॉमी एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द इंडियन इकोनॉमी आर वेरी क्लियरली गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी। On the rupee, I think you should do a bit more looking into how other currencies are behaving versus the dollar. We are keeping, RBI and the ministry are keeping very close watch over it. तो फर्क देखा आपने? मगर सबसे अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। आप कहीं से कोई खबर नहीं सुनते कि प्रधानमंत्री ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर कोई चिंता जतलाई थी। वो मीडिया उनसे सवाल नहीं करता, मगर मीडिया की क्या मजबूरियां हैं आगे जाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 से पहले किस तरह से नाराज होकर आपने कहा था, दोस्तों मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मैं जानता हूं कि आखिर ये क्यों गिर रहा है, दूसरे देशों में करेंसी नहीं गिर रही है, हमारे देश में ऐसा हो रहा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले किस तरह से नाराज हुआ करते थे। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। यही नहीं दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं उनका एक और बयान, और यहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ताना कसा था। क्या ताना कसा था? कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के होते हुए यह सब हो रहा है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई को लेकर एक अजीबोगरीब रवैया अपनाया है। अब मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री पीएम थे तो इसको लेकर भी इन्हें आपत्ति। हर बार उन्होंने एक बहस छोड़ी, हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क, यानी कि डिग्री से ज्यादा मेहनत को तरजीह देना। हालांकि मेहनत कैसी की जा रही है ये आप भी जानते हैं। सुनिए किस तरह से जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था मोदी जी ने क्या तंस कसा था। लेकिन इस सरकार ने
और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 7 रुपये पर देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला? और मोदी जी की वो ऐतिहासिक बात आखिर कौन भूल सकता है, जब मोदी जी ने कहा था ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ज्यादा तेजी से रुपया गिर रहा है या मनमोहन सिंह सरकार का स्तर। मोदी जी याद है कि नहीं आपको, फिर से सुनिए। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए, इसकी कंपटीशन चल रही है। मगर आज आपके जहन में सवाल होगा, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि मीडिया किन मुद्दों पर बहस कर रहा है, और बात यही नहीं है दोस्तों। जिस न्यूज चैनल का मैंने जिक्र किया था वो है अंबानी का न्यूज चैनल, इस देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति। आप देखिए किस तरह की बहसें की जा रही हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर कभी भी डॉलर के मुकाबले जो रुपया का स्तर गिर रहा है उस पर कोई बड़ी बहस नहीं होगी। इस तरह का कचरा दिखाया जाएगा जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई, यही चीजें होती हैं। सबसे अफसोस की बात यह कि जो पत्रकार 2014 से पहले डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के स्तर पर खुलेआम अपनी बात कहते थे, आज इस मुद्दे पर खामोश हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पहले इनमें कितनी हिम्मत हुआ करती थी। सबसे पहले तो दोस्तों आनंद महिंद्रा साहब से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा, देश के जाने माने उद्योगपति। देखिए साहब, आपके स्क्रीन पर 28 अगस्त 2013 को दिया गया उनका यह बयान, एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस जीरो ग्रेविटी इन फ्री फॉलिंग एयरक्राफ्ट आफ्टर यस्टरडेज मार्केट एंड रूपी फ्री फॉल वी आर फ्लोटिंग वेलकम टू स्पेस माउंटेन। आनंद महिंद्रा साहब ने इस तरह से तंज कसा था जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था और जब हालत 62 रुपए की थी। आगे क्या कहा था, टाइम टू रीड फ्रॉम द सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, विद द रुपी एट दिस लेवल इंडियन एसेट्स एंड पोटेंशियल आर बीन अंडरवैल्यूड एंड आर अ ग्रेट बाय। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया किस तरह से नुकसान हो रहा है, मगर आज आनंद महिंद्रा अपने तमाम नुकसानों को भूल गए, खामोश हैं। अब परिचय कराना चाहता हूं मैं आपका मीडिया का, जिनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूं दोस्तों, इन्होंने गलती से एक बार अपने नाम के साथ मोदी जोड़ दिया था। देखिए 2014 से पहले जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था तो किस तरह से मोहतरमा अपना बात रखती थी। आपके स्क्रीन पर, गुड नाइट टू ऑल amidst डेज अहेड दैट won't बी वेरी गुड, cascading इफेक्ट ऑफ रुपी फॉल विल स्क्वीज द happiness आउट ऑफ our lives। कह रही हैं कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है हमारी जिंदगियों की खुशियां जो है वो निकल जाएंगी। आगे इन्होंने नौकरियां जो नहीं मिल रही उस पर भी चिंता जतलाई थी। देखिए साहब, Indians losing jobs, prices shoot even as rupee plunges further. Blueprint, Mr. Prime Minister, endless spending on vote securing welfare schemes. यहां पर बहुत तरह चिंता जतला रही हैं कि किस तरह से जो है आम भारतीय नौकरियां खो रहा है, मगर आज इनके चेहरे से इनके मुंह से तमाम शब्द नहीं निकलते हैं, पूरी तरह से खामोशी। कोई यह भी बता रहा है कि इन्होंने अपने पुराने ट्वीट जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं, पता नहीं किए हैं कि नहीं। फिर देखिए साहब, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ अ फ्री फॉलिंग रुपी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉट्स ऑन द इकोनॉमिक्स। प्राइम मिनिस्टर कह रही है कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है यह सबसे बड़ा दाग है एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर। इन्हें तो आपने देख लिया, अब ANI समाचार एजेंसी है और वहां पर एक अहम किरदार निभाने वाली ये मोहतरमा। देखिए 2014 से पहले, रुपी एट एन ऑल टाइम लो बट नॉट टू वरी, वी हैव वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट इन चार्ज। रुपी हिट्स हिस्टोरिक लोज, कहती है ऑल बिकॉज ऑफ शाहरुख खान, वी नीड इकोनॉमिस्ट टू बी इन चार्ज। ओ वेट, यहां पर आप देख सकते हैं ये मोहतरमा जिनके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि ये प्लांट पत्रकार हैं, यानी कि दंडवत पत्रकार हैं, यानी झुकी हुई पत्रकार हैं भाजपा के सामने।
इनके तमाम बयानों में वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ताना कस रही हैं कि वो एक अर्थशास्त्री हैं। वही बात जो उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, ये तमाम बातें उस वक्त कही गई थी, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा दोस्तों। अब मैं आपका परिचय उस पत्रकार से कराना चाहता हूं दोस्तों, जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या क्या कहा था 2014 से पहले, 22 अगस्त 2013 को इनका यह बयान। रुपी हिट 65, फॉल्स टू अ न्यू रिकॉर्ड लो, टर्बुलेंट डेज अहेड फॉर इंडियन इकोनॉमी, इट माइट अपसेट ऑल पोल प्लानिंग। रुपी एंड्स एट 63 रुपए 13 पैसे वर्सेस डॉलर, बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप ऑफ 148 पैसे इन अ डेकेड। रुपी हिट्स 61.59 अगेंस्ट यूएस डॉलर, हिट्स न्यू लो। कितनी चिंता है भाई साहब के जहन में, रुपया जो लगातार गिर रहा है, आज ये सब खामोश हैं। आज ये लोग बाकायदा इन मुद्दों पर शोज करेंगे। उल्टा इस आदमी ने, तिहाड़ नरेश ने, तो बाकायदा एक शो किया था कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है उसमें भारत का कितना फायदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त आप ये सब इसलिए कर सकते थे क्योंकि सत्ता में ऐसी सरकार थी जिससे आप मुंह पर खड़े होकर सवाल कर सकते थे। आज ये लोग ये सवाल नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता में ऐसी सरकार है जहां हीरेन जोशी जैसे नगीने हैं, जहां पीयूष गोयल जैसे नगीने हैं, जो आपकी जिंदगी मुश्किल कर सकते हैं, इसलिए ये तमाम सवाल नहीं किए जाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है इस पर खबर नहीं की जानी चाहिए? ये मीडिया खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रवैये में दोहरे मापदंड क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सवालात नहीं किए जाने चाहिए? बताइए बताइए। 2014 से पहले जो सत्ता में था उससे सवाल मैंने किए, आज भी वही कर रहा हूं। मेरी पत्रकारिता नहीं बदली और ना बदलने वाली है। आपको गौर करना पड़ेगा उन तमाम पत्रकारों पर जिन्होंने मानो अपना ईमान बेच दिया है सत्ता के सामने, जो डर गए हैं सत्ता के सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन वो दोबारा सत्ता से सवाल करेंगे तो दोबारा उन्हें फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो सवाल नहीं करते हैं। मगर ये मुद्दे हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। मीडिया आपका ध्यान भटकाने के लिए भड़काऊ शोज करता है, जिसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, दे चुका हूं। समझिए कि मीडिया वो भड़काऊ शोज क्यों करता है, ताकि असली मुद्दों की तरफ, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों की तरफ आपका ध्यान ना जाए। आज बहुत जरूरी है कि इन मुद्दों पर फोकस किया जाए, क्योंकि तब आप अपनी सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। जब आप इस कचरे में उलझे रहते हैं, उस जहरीले कचरे में, तो आप खुद को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मगर इस मंच पर सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नमस्कार।